Brought to you by BPCL, Bharat High Star Cooking Stove. Bharat High Star Stove. Save more, serve more. शेयर बाजार में इन दिनों उतार चढ़ाव का माहौल देखा जा रहा है। बाजार में फिर से विदेशी निवेशक बिकवाली कर रहे हैं। बाजार के इस माहौल में भी कुछ शेयर ऐसे हैं जो निवेशकों को मोटा रिटर्न दे रहे हैं। ऐसा ही एक शेयर है डीबी रियलिटी। ये महाराष्ट्र बेस्ड रियल एस्टेट कंपनी है। कंपनी का जबरदस्त एक्सपोजर मुंबई में है। साल 2023 में प्रॉपर्टी मार्केट ने भी अच्छा खासा रिटर्न दिया है। 2024 में रियल एस्टेट मार्केट और भी अच्छा करेगी ऐसी उम्मीद की जा रही है, खासकर मेट्रो शहरों में जहां इन्वेंट्री कम हो रही है और डिमांड ऊंची बनी हुई है। इसी वजह से पिछले एक साल में रियल एस्टेट कंपनियों में खरीदारी बढ़ी है। इसी का फायदा डीबी रियलिटी को भी मिल रहा है। डीबी रियलिटी ने पिछले एक हफ्ते में 6.25% का रिटर्न दिया है, 1 महीने में 35%, 6 महीने में 222% और 1 साल में 200% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। पिछले महीने ही राकेश झुनझुनवाला की पत्नी रेखा झुनझुनवाला ने इस कंपनी में बड़ी खरीदारी की थी। झुनझुनवाला परिवार का इस कंपनी में लंबे समय से बड़ा निवेश है। दिसंबर तिमाही में रेखा झुनझुनवाला ने डीबी रियलिटी में 1% हिस्सेदारी बढ़ा ली है। अब डीबी रियलिटी में रेखा झुनझुनवाला की हिस्सेदारी बढ़कर 3% हो गई है और कुल निवेश 374 करोड़ रुपए हो गया। इससे पहले जून 2023 में रेखा झुनझुनवाला ने डीबी रियलिटी में 0.6% की हिस्सेदारी खरीदी थी। तभी से ही इस शेयर में बड़ी चाल बनती दिखी है। जून में शेयर का भाव 70 रुपए था और आज भाव 250 रुपए पर पहुंच गया है, यानी करीब 350% का रिटर्न दिया है, वो भी सिर्फ 7 महीने में। इसे आसान भाषा में आपको बताएं तो अगर जून में आपने 1 लाख रुपए लगाए होते तो आज करीब 4,50,000 रुपए हो जाते। डीबी रियलिटी का फोकस अब कर्ज कम करने पर है। 2 महीने पहले ही कंपनी ने प्रमोटर से 300 करोड़ रुपए जुटाए हैं। इस रकम से कर्ज को कम किया जाएगा। डीबी रियलिटी के पोर्टफोलियो में मुंबई और उसके आसपास प्राइम लोकेशंस पर 10 करोड़ स्क्वायर फीट लैंड मौजूद है। डीबी वुड्स और ऑर्चिड सुबर्बिया जैसे 2 बड़े प्रोजेक्ट्स कंपनी पूरे कर चुकी है। 6 अभी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें काम चल रहा है, यानी कंपनी के पास मुंबई और उसके आसपास काफ़ी बड़े लैंड मौजूद है। मुंबई जैसे इलाके में बड़ा लैंड बैंक कंपनी के लिए पॉजिटिव है। ये खबर हमने केवल आपकी जानकारी के लिए तैयार की है। अगर आपको किसी भी शेयर में निवेश या खरीदारी करनी है तो पहले अपने किसी वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले लें।